Karachi Biennale ka jo mandate hai, wo hai to connect art, the people and the city. To iske tehet aur hamara jo theme hai wo hai witness. So iske tehet hum logon ne Karachi ki art timeline ko taiyar kiya hai jo ek research bhi hai aur ek acknowledgement bhi hai jo artist ne is shehar mein kiya hai. 1947 se leke aaj tak in 70 saalon mein bahut kuch hua hai. Bahut ahem exhibitions hui hain, ground breaking exhibitions hui hain. Zubaida Agha ki pehli modernist numaish is shehar mein hui YMCA mein. Sadequain sahab ki murals bani is shehar mein, bahut ahem murals. Ahmed Parvez, Bashir Mirza, Gulji, jitne bhi ahem modernist the, Shakir Ali sahab ke alawa ya ek do aur ke alawa, isi shehar mein unhone apni practice ko establish kiya. To isko zehen mein rakhte hue ye timeline bahut ahem hai Karachi ki art history ko document karne ke liye. Aur aaj jo hum highlight karna chah rahe hain Sadequain ki mural at the Frere Hall, wo isi ka ek hissa hai. Ye 1986 ki baat hai, unki tabiyat jo hai wo itni achhi nahi rehti thi, kafi bimar rehne lage the us zamane mein. जहाँ तक फ्रेयर हॉल का ताल्लुक है तो उनकी जो पहली एग्जीबिशन 1956 में हुई थी वो फ्रेयर हॉल में हुई थी, जिसको हुसैन शहीद सुरदर्दी साहब ने, जो सब प्राइम मिनिस्टर थे, उसको इनॉग्रेट किया था. सो इन अ वे उनकी ज़िंदगी पूरी इन सर्कल आ रही थी, जहाँ उन्होंने पहला अपना एग्जीबिशन किया था वहीं पर अब उनका ये म्यूरल बन रहा था. वो एक ऐसा काम करना चाहते थे जो कि हर एंगल से लोग उसको देख सकें. And you can do that with the ceiling. आप नीचे खड़े होकर ऊपर देखेंगे, आपको पूरा उसका एक साथ encompassing view मिल सकता है. इस सीलिंग का जो मफहूम है वो है इल्म और अमल, दो बहुत अहम चीज़ें जो सादेकैन ने शायद अपनी ज़िंदगी में उनको समझा और उनको अहम पाया कि जो आप इल्म हासिल करते हैं उसको अगर अप्लाई नहीं करते तो फिर वो अधूरा रह जाता है. म्यूरल उनकी पर्सनालिटी से बहुत रिफ्लेक्ट करता था. उनको बड़े काम जिनसे एक लास्टिंग इम्पैक्ट हो जाए उनको करने का बहुत शौक था. फ्रेयर हॉल सीलिंग की बात करें तो 70 फीट बाय 40 फीट. ये एक पब्लिक ऑडियंस के लिए ये म्यूरल बना रहे थे तो उन्होंने उसको एक बहुत आम फहम तरीके में पेश किया है, लोग उसको आसानी से समझ सकें. और ऑब्वियसली उसकी स्केल जो है जिस पे उन्होंने उसको बनाया है वो बहुत अहम है और बहुत ही काइंड ऑफ इम्प्रेसिव है, क्योंकि इतने बड़ी सीलिंग को कंपोज करना, फिर उसको चीज़ों को मिलाकर दिखाना, और वो भी बड़ी इम्पैक्ट के साथ, आसान काम नहीं है. अपनी ज़िंदगी का जो पूरा मजमुआ था वो इसमें वो उतार रहे थे. इस म्यूरल में ऑफ कोर्स उन्होंने दुनिया का नक्शा बनाया है, पुराने ज़माने का जो सॉर्ट ऑफ सैंड क्लॉक होती थी वो बनाई है, और दो तरह की आर्मीज, इंसानों की सॉर्ट ऑफ आर्मीज को दिखाया है. एक ईवल आर्मी है जो जो भी बुराइयां हैं दुनिया में उसके लिए स्टैंड करती है, और एक जो है इल्म की आर्मी जो है, या इल्म जिन लोगों ने इल्म हासिल किया है और जो उस पर अमल कर रहे हैं उसकी आर्मी है. गालिब की शायरी, जिसमें इकबाल की शायरी, ये सब उन्होंने इस पर्टिकुलर म्यूरल में उन्होंने उसको पूरा पूरा करके दिखाया. ये जो म्यूरल है ये बहुत सारी तरह से यूनिक है उनके अपने लिए. एक तो इसका जो मीडियम है जो कि वुड पैनल्स हैं, बेसिकली 4 फुट बाय 8 फुट के कई उन्होंने पैनल्स को किया, तो एक तो ये उनके नॉर्मली वो वुड पे इतना काम नहीं करते थे, कैनवस पे या स्किन पे या दूसरी चीज़ों पे वो काम उन्होंने ज़्यादा किया है. इसकी जो कलर स्कीम उन्होंने यूज़ की है वो भी उनके नेचुरल कलर स्कीम से थोड़ा सा डिपार्चर पे है. इट्स लॉट टू डू विद ब्लू एंड ऑरेंज, जो कि यूँ समझ लेंगे आग और पानी या जो आपके अपोजिंग फोर्सेस होते हैं उनके हिसाब से उन्होंने उसको लेके चले. उनका इंतकाल हुआ 10 फरवरी 1987, तो वो म्यूरल जो है वो तकरीबन 2/3 कंप्लीट था. आप देखें उसकी छत में एक बहुत बड़ा सेक्शन वो ब्लू है, वो ब्लू बेसिकली बेस होता है. आप ब्लू बेस के ऊपर जो है वो ऑयल्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं.
तो जो पैनल्स जो हैं बच गए थे, जिन पे काम नहीं हो सका था, उस पे दोबारा कभी कोई काम हो नहीं पाया।